पीछे रिपीट करना है, ठीक है? क्या बोल? रोजेज आर रेड, पता मुझे। मामा चावले। ऐसे मत चला। अबे हमें उसी चीज को अपना प्रोफेशन बनाना चाहिए जो चीज हमें अंदर से पसंद हो, जो हम जबरदस्ती कर रहे हैं वो काम हमें करना नहीं चाहिए। All I wanna do is be with you. Hello everyone, welcome back to my new vlog. पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा कि मैं जिम के लिए निकल चुकी हूँ, तो उसमें मैंने एंड कर दिया था व्लॉग, तो अब वापस चालू करते हैं व्लॉग को। जिम पहुँच चुकी हूँ। किसी ने स्कूटी अंदर पार्क कर दी। देखो लोगों के पास कितना जिम का एक्साइटमेंट है। तो चलो अब जिम ऊपर चलते हैं, देखते हैं कौन कौन आया कौन कौन नहीं आया। एक्सपेक्टेड कोई भी नहीं आया अभी तक। शटर भी ऊपर नहीं हुआ, तो ये भी मुझे ही करना है। एज एक्सपेक्टेड एक ट्रेनर का दिमाग बोल रहा था, तो मुझे पहले ही पता था कि आज फ्राइडे है, तो सबने यही सोचा होगा मंडे से स्टार्ट करेंगे। लिमिटेड लोग होंगे जो आएंगे, जिनको वर्कआउट के प्रति बहुत ज़्यादा प्यार होगा वो जरूर है। जैसे कि हमारे जिम में काम चल रहा है, तो सारी साफ सफाई हो रही है। जय सूर्यदेव। बाकी देखो पॉल्यूशन कितना सारा हो रहा है। मैंने बताया था ना, जब पोल्यूशन होता है तो ये बिल्डिंग ना ऐसे धुंधली दिखती है, और जब पोल्यूशन नहीं होता तो ये बिल्डिंग दिखेगी बिल्कुल क्लियर। तो यार मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी, अगर आप जिम जाते हो तो देखो वो ये हैबिट मुझे सबसे बुरी लगती है कि कुछ लोग होते हैं मैट यूज़ करते हैं और फिर उसके बाद वहीं पर छोड़ देते हैं, डंबल्स यूज़ करते हैं और वहीं पर छोड़ देते हैं। ये बात मैंने एक बार पहले भी बोली थी, अगर आप जिम जाते हो तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि मैट और डंबल्स आप उठा लिया करो, क्योंकि बाकी जो पीछे करने वाला होगा ना वो नौकर नहीं होता किसी का। तो हालांकि ये सब चीज़ें करने में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन इसे गुड हैबिट बोलते हैं, तो इसे उठाना चाहिए। तो पता नहीं कौन ऐसे हैं, मैट करते हैं उसके बाद करके वहीं पे छोड़ के चल जाते हैं कि बाद में कोई उठा देगा, डंबल्स करते हैं वहीं छोड़ देते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं होती। तो इसी के साथ एक क्लास जो कि मैंने आज कराई है वो होती है ख़त्म। तो एज अ ट्रेनर मैं आपको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि खुद को आप खुद ही मोटिवेट कर सकते हो, क्योंकि दिवाली थी, बहुत लंबी छुट्टियाँ हैं और काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो जिम जाने की सोच रहे होंगे और दिवाली से पहले जिम करते होंगे लेकिन अब नहीं कर रहे क्योंकि अब छुट्टियाँ इतनी सारी हो चुकी है, और अब वो सोच रहे होंगे कि नेक्स्ट मंथ नवंबर में ज्वाइन करेंगे। लेकिन आप अगर खुद को खुद मोटिवेट नहीं कर सकते ना, तो कोई नहीं कर सकता। कोई ट्रेनर, चाहे आप पर्सनल हायर कर लो, चाहे आप जिम जाओ, चाहे आप कुछ भी कोई सा भी ट्रेनर हायर कर लो, लेकिन आपको खुद ही खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा। और अगर आप मेरी वीडियो अभी देख रहे हो तो आप नवंबर का वेट ना करो, आप सिर्फ आप बस नेक्स्ट डे का वेट करो, नवंबर का वेट मत करो, नेक्स्ट डे का वेट करो कि जैसे ही नेक्स्ट डे आए जिम, अगर जिम नहीं जाना आपको तो आप घर पे ही वर्कआउट स्टार्ट कर दो या पार्क चले जाओ, कहीं भी चले जाओ। वर्कआउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आपके लिए खाना बहुत ज़रूरी है, वैसे ही आपके लिए एक्सरसाइज करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चीज़ अगर आप समझ लोगे ना, तो आपको कहीं पे भी एक्स्ट्रा पैसे देने ही नहीं पड़ेंगे कहीं पे भी, ना किसी पर्सनल ट्रेनर को हायर करना पड़ेगा, अगर आप ये चीज़ समझ जाओगे तो। देखो एक क्लास के लिए जाना है पर्सनल, तो वो क्लास करा के फिर घर की तरफ निकलेंगे। हाँ तो क्लासेस करा के घर पहुँच चुकी हूँ और गिफ्ट भी मिला है गिफ्ट, तो चलो इसको अनबॉक्स करते हैं। वैसे तो इसमें दिख ही रहा है ड्राई फ्रूट्स है, लेकिन मुझे ये मग देखना है। ड्राई फ्रूट्स तो पता ही है, मुझे मग देखना है। मेरे पास सिर्फ मग नहीं है, सबके पास मग है, मेरे को सिर्फ मेरे पास पर्सनल मग नहीं है अपना। हाँ मतलब मेरे से टूट ही जाता है अपने आप ही। तो ये रहा मग, तो अब मेरे पास भी एक पर्सनल मग है। खुद से खरीदा हुआ अलग होता है, लेकिन गिफ्ट में मिला हुआ अलग होता है। हमारे मैं तेरे बाप को मत सिखा, चल। आज खाने में बनाया बैंगन का भरता और आपसे सिर्फ घर का खाना, कुछ भी तो बैंगन का भरता खाएंगे। तो भाई ये हमारे घर की आखिरी मिठाई है। Oh my God! सबको क्रेविंग हो रही है मीठा खाने की, तो सोन पापड़ी आखिरी सहारा है, क्योंकि सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ, नो काजू कतली, नो रसगुल्ला वसगुल्ला, सब कुछ कुछ भी नहीं है। तो चलो इनसे इससे ही खुशी देते हैं बाकी को। अंत में यही काम आई है। रुक जा यार। तो मम्मी बना रही, क्या बना रहे हो? मेथी नहीं लाए?
मेथी, गोभी के पराठे। दो चीजों की डिमांड थी, या तो मेथी का पराठा या तो गोभी का पराठा, तो गोभी का पराठा बन रहा है। और मेथी अभी वैसे भी बहुत महंगी है, और अच्छी अभी आ गई नहीं, अच्छी आई ना अभी। मेथी के पराठे मेरे फेवरेट है, और इन सबके हैं गोभी के पराठे। एक गेम खेलते हैं, रिपीट करना है मेरे पीछे, जो मैं बोलूंगी वो तुझे रिपीट करना है, ठीक है? ठीक है। क्या यार, छोटी सी तू है। नीचे की खड़ी, ऊपर आ इधर। बेटी के सर में लग गई है। नहीं लगी बेटी। अच्छा चल, तुझे मेरे पीछे रिपीट करना है, ठीक है? कंधे। बेटी ये मेरे से पंगे ले रही है, देखो। ठीक है, तुझे मेरे पीछे रिपीट करना है। रोजेज आर रेड, रोजेज आर रेड, वॉयलेट्स आर ब्लू, वॉयलेट्स आर ब्लू, व्हाट इज द कलर ऑफ माय टी-शर्ट, व्हाट इज द कलर ऑफ माय। अगर तू बताती ना कलर तो गेम कराती। रोहित के साथ खेलेंगे, इसमें रोहित ही पोपट बन सकता है। कहाँ है पुजी? इसके साथ करते हैं। नहीं नहीं पुजी, इसके साथ। तुझे ना मेरे पीछे रिपीट करना है, ठीक है? क्या बोल? रोजेज आर रेड, पता मुझे। रोजेज आर रेड, वॉयलेट्स आर ब्लू, वॉयलेट्स आर ब्लू, व्हाट इज द कलर ऑफ माय टी-शर्ट, पता नहीं। अब मैंने बोला था मेरे पीछे रिपीट करना है। जा तू, जा मक्खन लेके आ जा। मम्मी अंडे भी मंगा लो उससे। दो चल निकल। तो भाई यहाँ तो हैरी पॉटर चल रही है और खाना हो रहा है। मम्मी ने आज पराठे बनाए गोभी के, गोभी के पराठे खाते हैं। और कभी कभी हैरी पॉटर देखना ना, कभी कभी नहीं, वैसे जब छुट्टी होती है ना अंधेरा करके, हैरी पॉटर देखने में बड़ा मजा आता है। हुआ क्यों हो रहा है यहाँ पे? खिड़की क्यों नहीं खोल रहे आप? मैं ले लूं? क्या जो ही पता नहीं क्यों आज उदास बैठी, क्या हुआ? खाएगा, खाएगा आज? खाना देख के भी नहीं आगे आ रही, क्या हुआ? देखो क्या हुआ इसको, भाई इसको खिलाओ। देखो इसके आगे भी कर दिया तब भी नहीं आ रही, कह रही है बाहर में जाओ तुम खा लो, मुझे कुछ नहीं खाना। नहीं खाना, हम स्कूल टाइम पे करते थे। जोई दीवार को पकड़। आराम से जोई रुक जा, अबे फूट मत जाइए इसको, नहीं दीवार को पकड़, दीवार ऐसे उधर करना, पूरा टर्न कर, हाथ ऐसे दीवार पे, अब दोनों हाथ दीवार पे रख, ऐसे अब धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे चल, एक एक स्टेप, एक एक पैर उठा के रखना, एक एक ऐसे 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 चलना है, ऐसे बस, अब ऐसी वापस, ऐसे धीरे धीरे वापस आ, हाँ अब ऐसे ही चलता है ना, तो धीरे धीरे स्केटिंग करेंगे। और जब होता है ना ब्रेक मारनी होती है तो ऐसे फीट से उठा लेंगे, हाँ ये ब्रेक लग जाएगी, इसके एक टूटा हुआ एक ब्रेक, कोई नहीं लगा। देखो क्या हो गया है, जा मामा चावल है, ऐसे मत चला। अबे ओए ओए, वैसे ही जैसे बोला वैसे ही कर, जैसे बोला है, हाँ चल, पैर उठा के रख, पैर उठा के रख, पैर उठा के रख। तुझे कहाँ से स्केटिंग आती है, तूने कब करी? मैंने ही स्केट चलाए थे सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा मतलब मतलब हम पहले सीखे सारी चीजें और तुझे स्केटिंग आती है ना, मतलब हम तो पागल हैं। सबसे पहले मैंने सीखे, चीना ने सीखे, तू छोटा था, तू तो स्कूल में ही एडमिशन में बाहर आया जबरदस्ती अपने आप ही। अबे वो स्कूल में नहीं, घर में चलाता था मैं, लेकिन हम स्कूल से सीखे तो खुद से सीखो, खुद से नहीं तो हमें देख के सीखा है। तो यार अब सारे फेस्टिवल्स खत्म ही हो चुके हैं ऑलमोस्ट, भाई दूज भी चला गया, दिवाली भी चली गई, सारे फेस्टिवल चले गए, तो मैंने मेहंदी नहीं लगाई भाई दूज पे, तो मेरा बड़ा मन करे मैं मेहंदी लगाऊं। I think it's always there, my love, my star, my moon. देखो मैंने लगा ली मेहंदी फाइनली, तो इस बार मेहंदी थोड़ी सी अच्छी लग रही है पहली बार।
तो मैं मेहंदी लगाना और खाना बनाना और प्लस मेरा काम जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, एक्सरसाइज करना और कराना। तो ये तीनों चारों चीज़ें मेरे लिए मेडिटेशन की तरह है। अगर मैं ये तीनों चारों में से कुछ भी कर रही होती ना तो ऐसा लगता है कि मेरा दिमाग जो है ना वो शांत हो रहा है धीरे धीरे। तो ये तीनों काम मेरे लिए मेडिटेशन की तरह है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें वही काम करना चाहिए जो हमें मन से पसंद हो। तो ये चीज़ मुझे किसी स्कूल में टीचर ने बोला था कि हमें उसी चीज़ को अपना प्रोफेशन बनाना चाहिए जो चीज़ हमें अंदर से पसंद हो। जो हम ज़बरदस्ती कर रहे हैं वो काम हमें करना नहीं चाहिए। तो बहुत गहरी बात कही है मैंने। तो मेहंदी लग गई और अब सब सो गए और हम अभी जा सो गए। कल सुबह जाना है जिम, लेकिन कल भी एक ही क्लास के लिए जाना है और जो भी मेरे साथ हो रही है। कल रात को पूरी रात सोई थी, मतलब इसके पैर में दर्द हो रही थी ना तो उस वजह से सो नहीं पा रही थी। तो अब चलो अब तो सो रही है शांति से। तो अब मैं इस व्लॉग को यहीं पे कर लूँ एंड। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। तो नेक्स्ट व्लॉग में मैं मिलती हूं आपसे, तब तक के लिए गुड नाइट। Everything I know is for you.